नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं अमेजन की एक और नई सेल के बारे में। जी हां दोस्तों, अमेजन पर फिर से एक नई सेल स्टार्ट हो चुकी है जिसका नाम है दोस्तों मोबाइल सेविंग डे सेल, जो कि दोस्तों 25 जून से 29 जून तक चलने वाली है। बट दोस्तों ये जो सेल है, जब बाकी पुरानी जितनी भी सेल आई थी उन सबसे काफ़ी हटके सेल है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको डबल की जगह दोस्तों कई अच्छे अच्छे ऑफर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों क्या क्या ऑफर हमें देखने को मिलते हैं और जो बाकी दोस्तों और जो सेल है उनसे हमें ये इसमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि अमेजन और फ्लिपकार्ट पर जितनी भी सेल आती हैं उनमें दोस्तों हमें बैंक ऑफर देखने को मिलता है अलग से। बट दोस्तों जियो सेल है, इसमें आपको दो बैंक ऑफर देखने को मिल रहे हैं। या दोस्तों अगर आपके पास सिटी बैंक का अकाउंट है, अगर आपके पास सिटी बैंक का डेबिट क्रेडिट कार्ड है तो आपको 10% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों अगर आपके पास सिटी बैंक का नहीं है, ICICI बैंक का कार्ड है, तो दोस्तों फिर भी आपको 10% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको इसमें डबल ऑफर देखने को मिल रहा है। और वहीं दोस्तों जो सेल का ऑफर होता है वो तो अलग से आपको देखने को मिल ही रहा है। दोस्तों जियो सेल है ये 29 जून तक चलने वाली है और आपको कोई स्मार्टफोन खरीदना है तो आप इसमें खरीद सकते हो। आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग हैं जो स्मार्टफोन खरीदते हैं सेल से। तो दोस्तों जिन लोगों के पास ICICI बैंक का कार्ड है या फिर दोस्तों सिटी बैंक का कार्ड है तो उनको इसमें काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। और दोस्तों जियो सेल है ये चलेगी 29 जून तक, तो आपको कोई फ़ोन लेना है तो आप इसमें से ले सकते हो। और दोस्तों जिन लोगों को अमेजन से शॉपिंग नहीं करनी वो दोस्तों कुछ दिन का वेट कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पर फिर से एक नई सेल आने वाली है जो शायद दोस्तों 1 जुलाई से स्टार्ट हो सकती है। तो दोस्तों इसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोन देखने को मिलते हैं सेल के अंदर अमेजन के ऊपर, तो आपको कोई स्मार्टफोन चाहिए तो आप इस सेल से ले सकते हो। और दोस्तों इसमें एक ऑफर और आ रहा है, वो दोस्तों नो कॉस्ट EMI का। अगर आपके पास दोस्तों कैश पेमेंट नहीं है तो आप दोस्तों बजाज कार्ड से या फिर दोस्तों अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो आप उसमें से भी दोस्तों नो कॉस्ट EMI पर इसमें से कोई भी स्मार्टफोन खरीद सकते हो बिना किसी दोस्तों एक्स्ट्रा चार्ज के। और दोस्तों जो डिस्काउंट मिलेगा वो तो आपको मिलेगा ही। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं तरह वीडियो आपके लिए मैं लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।